Assalamualaikum, welcome back to my channel. आज मैं आपको सिखाऊंगी एनिमेटेड कार्टून्स, हाउ टू मेक एनिमेटेड कार्टून्स. तो वो बनाने के लिए हमारे पास, जैसे कि मैं आपको दिखा देती हूँ, जैसे कि ये वीडियो है. हाय मैना, मैं ठीक हूँ, और सुना तुम कैसी हो? हाँ भाई, काफी दिन से नजर नहीं आई, मैं तुम्हें बहुत याद किया. इसकी डबिंग और इसकी जितनी बनाने के लिए बर्ड्स पीछे बैकग्राउंड सारा कुछ मैंने खुद किया, और इसके लिए हमारे पास इसको बनाने का तरीका आज मैं आपको सिखाऊंगी. इसको बनाने के लिए हमारे पास सबसे पहले ऐप होना चाहिए, इमेज सर्च मैन, ये वाला. इसमें हम लोग इसमें से हम लोग लेंगे बैकग्राउंड, जैसे कि मैंने ये फॉरेस्ट का बैकग्राउंड यहाँ पे मैं देखूँ, कार्टून फॉरेस्ट कार्टून. तो ये कार्टून वाले फॉरेस्ट आ गए. यहाँ पे जो भी आपको पसंद आता है आप लोग करने डाउनलोड होता है, और हो जाएंगे सीधे आपकी गैलरी में, पिक्चर्स में चले जाएंगे. अब हमें चाहिए दूसरा काइन मास्टर. मास्टर पे हमने सारी वीडियोस बनाएंगे. उससे पहले हमें वीडियो चाहिए जिसकी जिसकी मदद से हम लोग वीडियोस बनाएंगे, क्योंकि सारा एनिमेशन हमारी वहाँ से नहीं होने वाली है. तो उसके लिए हमें और वीडियो चाहिए, तो जाएंगे यूट्यूब पे सर्च करेंगे बर्ड्स, कार्टून बर्ड्स, ग्रीन स्क्रीन. ये जितने बर्ड्स आ जाएंगे इसमें, मैं जैसे इसे डाउनलोड कर देती हूँ, मैंने कर लिया डाउनलोड. अब उसके बाद हम लोग अब आएंगे काइन मास्टर पे. काइन मास्टर में जाएंगे क्रिएट न्यू. अगर आप साइज चूज कर सकते हैं, ये 16:9 जो साइज है ये है, इसकी पिक्चर बनी हुई है यूट्यूब की. तो ये यूट्यूब के लिए साइज है और ये मैंने चूज कर लिया. क्रिएट क्लिक करेंगे. क्रिएट क्लिक करने के बाद इस तरह कुछ इंटरफेस आ जाता है, 11:11 के बाद. ठीक है, अब हम लोग यहाँ से कोई भी सर्च करेंगे. जैसे कि मैंने डाउनलोड जो किए हैं ये सारे मैंने की थी, बैकग्राउंड डाउनलोड किए थे. अब मैं ले लेती हूँ ये घर का बैकग्राउंड मैंने ले लिया. अब मैं इसे क्लिक करती हूँ यहाँ पे जितना भी आ जाएगा, जैसे कि इसमें थोड़ा बड़ा कर लूँगी. यहाँ पे मेरा इस तरह की स्क्रीन आ सकती है. अब हमें चाहिए इसके साथ कोई बर्ड्स वगैरह होने चाहिए, हम ये चाहते हैं. तो मैं ले लूँगी, यहाँ पे हमें लेयर्स आ जाना, ठीक है. एज अ मीडिया पर नहीं जाना, लेयर्स पे जाना है. लेयर्स से ये सबसे ऊपर वाला ऑप्शन ये है मीडिया का. लेयर्स में अपने मीडिया पर जाना है, क्योंकि अगर हम लोग सिर्फ मीडिया में चले जाएंगे तो हमारे जो बर्ड्स हैं वो इस बैकग्राउंड के ऊपर नहीं आएंगे, वो साइड पर चले जाएंगे. इसी वजह से हमें जाना है लेयर्स पे, और उसके बाद हमें जाना है मीडिया पे. मेरे पास ये डाउनलोड्स कुछ वीडियोज पड़ी हैं, मैं ये वाली वीडियो चूज कर लेती हूँ. अच्छा, सबसे पहले इसकी मैं थोड़ी कटिंग कर रही थी, जहाँ से मैंने डाउनलोड किया उसमें सबसे पहले इतना कुछ आता है, सेकंड इंटरफेस आता है, और फिर मैंने जब ये कट कर लिया इसके बाद हम लोग बनेंगे. शुरू में जाते हैं, ठीक है. अब इसका शुरू से करते हैं स्टार्ट, देखेंगे यहाँ पर भी टेंट फुल्स आ रहे हैं, ठीक है. इतना हो गया. अब हमें रिमूव करना है पीछे का ग्रीन बैकग्राउंड, तो इसलिए हम सबसे पहले इस पर क्लिक करेंगे. अब हम लोग इन ऑप्शन पाएंगे, जितने ऑप्शन हैं इनसे आपने चूज करना है क्रोमा की. क्रोमा की का ऑप्शन चूज किया, आप अनेबल वाली बटन पर स्विच पर क्लिक करेंगे. जैसे हमने इस पर क्लिक किया तो ये बैकग्राउंड रिमूव हो गया. हम इसे थोड़ा सा सेट कर लेते हैं, इसका साइज छोटा बड़ा करके हम लोग इसे यहीं पे खड़ा कर देंगे. मैं यहाँ पे खड़ा करूँगी, ठीक है. अब हमें क्या करना है, ये देखिए इनकी वीडियो, ठीक है. इनकी साउंड नहीं है तो हमें इसकी साउंड खुद बनानी है, ठीक है. अब हम लोग हमारे इतना हो गया. अब हमें क्या करना है, अब हमें इसकी साउंड करनी है. तो इसके लिए हमें अपने डायलॉग अपने वॉइस में करने होंगे. रिकॉर्ड पे क्लिक किया, ओके. तो मैं इसे स्टार्ट कर देती हूँ, और फिर मैं इसमें कुछ अपने डायलॉग्स में कुछ रिकॉर्ड कर लूँगी अपने वॉइस में. हेलो पुपू, कैसे हो? इतना कर दिया, ठीक है. अच्छा, स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रही है, तो फिर मैं यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं कर सकती, तो इसी वजह से मैं रिकॉर्ड नहीं करी. तो मैंने आपको बता दी कितना से करना है. मैंने रिकॉर्डिंग अभी करना है, बोलना है हेलो पुपू कैसे हो, फिर स्टॉप कर देना है. तो इस तरह से आपकी जो है वॉइस लगेगी. फिर हमने उसकी अगर हमने वॉइस लगा लिया, उसके बाद हम लोग उसका जो है चेंज भी कर सकते हैं. यहाँ पे आती है उसकी साउंड चेंज कर सकते हैं. तो उसका ऑप्शन है वॉइस चेंजर, हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे वॉइस चेंजर. सॉरी, क्लिक किया. अभी जो भी आपको वॉइस चाहिए, ग्राउल, थोड़ी भारी भारी आवाज़ आएगी. फिर मैंने सिर्फ ग्राउल और हेलियम का चेक किया, और हेलियम में थोड़ी पतली आवाज़ आती है, और उसके अलावा चिपमंक, इसमें भी थोड़ी पतली सी आवाज़ आती है. इस तरह की वॉइस आती हैं, एंड ये बहुत इजी ऐसा काम है. आपका शुरू शुरू में थोड़ा सा टाइम लेगा, और उसके बाद आज आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आप आराम से सारा काम कर पाएंगी. सब आप लोग आराम से सारा काम कर पाएंगे, और ये बहुत इजी काम है, और इस पर व्यूज बहुत सारे आते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय.